नमस्कार। आपने कभी गौर किया है कि मौजूदा सरकार के काफी सारे मंत्री ऐसे हैं कि जब भी वो जनता से हमसे मुखातिब होते हैं तो उनके चेहरे तमतमाए हुए होते हैं, नथुने फूले हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गुस्से में हैं और हमसे गुस्से में हैं, जैसे कि हम उनके नागरिक नहीं हैं, देश के नागरिक नहीं, उनके गुलाम हैं, उनकी प्रजा हैं। इस पे दो नाम तो मैं खास लूंगा, एक रविशंकर प्रसाद और दूसरे निर्मला सीतारमन। आज हम जिक्र करेंगे निर्मला सीतारमन का। वो जब भी आती हैं, कभी हमने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी है, हमेशा नथुने फूले हुए, हमेशा गुस्से में। क्यों भाई? जब आप विदेश जाते हो, लोगों से मिलते हो, वहां तो आप एकदम बिछ जाते हो, भारतीय नागरिक के सामने मुंह फुलाकर क्यों आते हो? यह हमारी बेइज्जती है, यह नागरिक का अपमान है, ऐसा मत कीजिए। मैं आपको स्पेसिफिक कुछ बताता हूं निर्मला सीतारमण के बारे में, जहां पर उन्होंने सोचा भी नहीं और अपना बर्ताव दिखा दिया। 24 अगस्त को निर्मला सीतारमण कर्नाटक के जो बाढ़ प्रभावित इलाका था कोडागू, उस जिले में गई और जब वहां के मंत्री, कर्नाटक के मंत्री एस ए रमेश ने उनसे कहा कि अब टाइम बहुत हो गया है, आप जरा वाइंड अप करें, इसको टाइम के मुताबिक चलें, तो वो एकदम तमतमा गई। मैं उनको कोट करता हूं, वो कह रही हैं, आई एम फॉलोइंग ए मिनट टू मिनट प्रोग्राम मिनिस्टर, इफ ऑफिशियल्स आर इम्पोर्टेंट माय परिवार इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बाकी वो क्या बोली आप सुनिए जरा। मिनट टू मिनट प्रोग्राम आई एम फॉलोइंग मिनिस्टर, आई डोंट वायलेट दैट। इफ ऑफिशियल्स आर इम्पोर्टेंट, माय परिवार इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। आई फॉलो द मिनिस्टर इन चार्ज, सेंट्रल मिनिस्टर फॉलोज द मिनिस्टर इन चार्ज हियर, अनबिलीवेबल। दूसरा, अपने मंत्रालय से हटके वो वित्त पर भी बोली हैं, फाइनेंस पर भी बोली हैं। इस दफे उन्होंने जेएनयू के बारे में बोला, जिसकी वो खुद पढ़ी लिखी हैं, वहां से पढ़कर आई हैं। 18 सितंबर को, यानी परसों की बात है ये, निर्मला सीतारमण इंडियन वुमेन प्रेस कोर में बोल रही थी। उनका कहना है कि द काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव नॉट बीन इनकरेजिंग एट ऑल। पिछले कुछ सालों से जेएनयू में जो हो रहा है वो ठीक बात नहीं लगती, यानी जब से वो बाहर निकली है वहां से, उसके बाद से जो हो रहा है। इट्स वेरी डिफरेंट टू हैव अ पार्टी हुज आइडियोलॉजी आई मे नॉट एग्री विथ, बट द वे इन विच दे हैव प्रोबेबली गॉट लेड बाय फोर्सेस विच आर एंटी इंडिया। छात्रों को आप देशद्रोही बता रही हैं, कोई नया काम नहीं कर रही, आपकी पार्टी वाले और आपके जो छुटभैये जो डंडे वंडे लेकर घूमते रहते हैं वो यही कहते हैं। आप वहां से पढ़ी हुई हैं, हमारे पुराने जो विदेश सचिव रहे हैं वो वहां से पढ़े हुए हैं, बेहतरीन दिमाग वहां से निकले हैं, सरकार में ये लोग हैं, आप एंटी नेशनल कह रही हैं मंत्री होकर। थोड़ा सा सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए। उसके बाद उनका कहना है कि देयर आर फोर्सेस विच आर वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड इट इज दे हु आर ऑल्सो सीन विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, कि जिन छात्रों ने चुना है अपने नेताओं को, उनके साथ वो लोग देखे गए हैं जो देश के विरुद्ध हैं। कौन लोग हैं, कहाँ हैं, अभी तक वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी था, वो छह लोग कहाँ हैं? उनको कौन ले गया था हवाई जहाज में कश्मीर? उनको क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? आपकी सरकार इतनी निकम्मी है, अभी तक नजीब को नहीं पकड़ पाई, बरामद कर पाई, माफ कीजिए, वो गायब है। सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई निर्मला सीतारमण की जब पंद्रह सितंबर, ये पिछले हफ्ते की बात है, एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के शो में उसके एंकर ने, जो पीली जुली कुश्ती थी, नूरा कुश्ती थी, साफ दिख रहा है, उसके एंकर ने पूछा क्या है, मतलब जैसे वो आपस में दो नेता बैठकर बात कर रहे हो। एंकर का कहना है, लेकिन सवाल है पाकिस्तान को ठीक करने का, मतलब एंकर ने एक पोजीशन ले रखी है कि पाकिस्तान को ठीक करना है। उधर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी, आज की खबर है, अभी मिलेंगे आपस में, ये हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। एंकर कहता है, लेकिन सवाल है पाकिस्तान को ठीक करने का, चुनाव के दौरान कहते हैं कि वो दो सिर काटेंगे तो हम 10 सिर काट कर ले आएंगे, लेकिन अब वो 10 तो नहीं काट रहे, मतलब एंकर कह रहे हैं कि आप 10 सिर क्यों नहीं काट रहे उनके। तो निर्मला जी जवाब देती है, नहीं मैं ये बोल सकती हूं काट तो रहे हैं हम, डिस्प्ले नहीं कर रहे। चुनाव के दौरान तो कहते थे कि अगर वो दो सिर काटेंगे तो हम 10 काट के लाएंगे,
लेकिन अब तो दस तो नहीं कट रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल सकती हूँ कट तो रहे हैं, हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको मतलब समझा देता हूं। एंकर उसके जवाब में कहता है, चलिए मैं आपकी सीमाएं समझता हूं। नूरा कुश्ती खत्म हुई, लोगों ने तालियां बजा दी। अभी तक पाकिस्तान के किसी भी सरकारी अफसर ने या मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया है कि वो भारतीय सैनिकों के सिर काटते हैं, हालांकि वो काटते हैं। ये भी हम जानते हैं कि इधर से भी जवाब जाता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। क्यों बोलता क्यों नहीं है कोई? क्योंकि जो जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ये सब नहीं होना चाहिए। भारत पांचवां देश था जिसने जिनीवा कन्वेंशन में हिस्सा लिया। पहले जिनीवा कन्वेंशन में जो 1949 में हुआ, उसका आर्टिकल 15 कहता है, पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट शैल विदाउट डिले टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू सर्च फॉर द डेड एंड प्रिवेंट देयर बीइंग डिस्पॉइल्ड। कि जो भी युद्ध में शामिल हैं या ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, ये उनका काम होगा, उनका फर्ज होगा कि वो जो डेड बॉडीज हैं उनको ढूंढें और सुनिश्चित करें कि उन जो शव हैं उनको क्षत विक्षत ना किया जाए, उनके साथ कोई बुराई ना की जाए। अभी परसों ही हमारे सिपाही के साथ, बीएसएफ के सिपाही के साथ ऐसा हुआ है। और निर्मला सीतारमन कह रही हैं, नहीं मैं ये बोल सकती हूं कि काट तो रहे हैं हम, डिस्प्ले नहीं कर रहे। पाकिस्तान एकदम मना करता है। बहरहाल हमेशा जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं भारत सरकार ने एतराज जाहिर किया। तो निर्मला जी, हमारी आपसे एक नसीहत है आपको, ये कि आप जब भी अगली दफे मुखातिब हों तो अपना ये नथुने फैला कर ना जनता के सामने मत आए। और मंत्रियों की भी हम बात करेंगे, प्रधान सेवक भी ऐसा करते हैं, विदेश जाते हैं तो गले मिलते हैं, यहां आते हैं तो चेहरा तमतमाया हुआ होता है। वित्त मंत्री भी ऐसा करते हैं, उनके चेहरे पर तो भाव होता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, मैं सब जानता। अरे भाई क्यों, आप हैं कौन? हम अपनी कमाई से आप लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, आप लोगों को रखा हुआ है कि आप हमारे काम करो, ढंग से सरकार चलाओ। आप वो कर नहीं पा रहे हो, उल्टे तमतमा कर आते हो और जो मर्जी आए मुंह में बोल लेते हो। तो निर्मला जी, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आगे से जुबान पर लगाम लगाइए। एक हमें अजीबोगरीब खप्त कहूंगा मैं तो, खप्त एक लफ्ज है, एक अजीबोगरीब खप्त है कि हमें विश्व गुरु बनना है। हम अपना घर संभाल नहीं पा रहे और विश्व गुरु बनने चले हैं। जितने भी देश हैं दुनिया के बड़े बड़े देश, वो अपने अपने देश को देख रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उसको बेहतर बना रहे हैं। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, अमेरिका में भी कोशिश जारी है कि अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे और मजबूत बनाया जाए। हर कोई अपना अपना देश देख रहा है, यूरोप के देश वो अपना अपना देश देख रहे हैं। हमें एक अनोखी खपत है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और यहां कुछ संभल नहीं रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 14 नवंबर 2014, सरकार नई नई आई थी, नया नया जोश था, और सिडनी में वहां के जो एनआरआईज हैं उनको, उनसे बातचीत करते हुए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत माता विश्व गुरु बन चुकी है। 14 नवंबर 2014 की बात है। उसके बाद 19 अगस्त 2017 को भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ही रहे हैं, कैलाश नारायण सारंग, उनकी किताब का लॉन्च था। उस पर अमित शाह ने कहा, वर्ल्ड ओवर पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया विद रिस्पेक्ट। पूरी दुनिया में भारत को अब बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा है, जैसे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और दैट इज नॉट एन ऑनर फॉर मोदी और बीजेपी बट फॉर 125 करोड़ इंडियंस। ये मोदी या बीजेपी के लिए इज्जत की बात नहीं है, पूरे भारत के लिए इज्जत की बात है। और भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। सन 2014 में प्रधान सेवक के मुताबिक विश्व गुरु बन चुका था भारत, भारत माता। 2017 में अमित शाह कह रहे हैं विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता वक्त वक्त पर ऐसा कहते आए हैं। 2 जून 2018 को रविशंकर प्रसाद हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा, India's global prestige has increased during the past 4 years of Narendra Modi government. भारत की जो छवि है और जो उसकी इज्जत है वो विदेशों में बड़ी है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं।
मोदी जी इज ए ग्लोबल लीडर, इंडिया व्यू पॉइंट हैज बीन हर्ड अक्रॉस द ग्लोब. मोदी जी जो हैं वो पूरे विश्व के नेता हैं और भारत का जो विचार है, भारत का जो कहना है वो पूरी दुनिया में सुना जा रहा है. ये बात और है कि मालदीव जैसा मुल्क हमें आंख दिखा रहा है, नेपाल हमारे हाथ से बाहर निकल गया है, चीन के पास चला गया है, श्रीलंका हमसे खुश नहीं है, लेकिन अभी हैं कह रहे हैं विश्वगुरु बनने का सपना है. ये तो हुए हमारे राजनीतिक महापुरुष. अब आप देखिए धर्म के नाम पर जो दुकानें चलाते हैं वो महापुरुष. इतने सारे बाबा भरे हुए हैं यहाँ पर, चाहे वो आसाराम बापू हों जिनका सब जिनके पास ये सब नेता जाते थे, चाहे वो गुरमीत राम रहीम हों, चाहे वो निर्मल बाबा हो. अब एक और बाबा आया है, पिछले साल एक सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया था, सीडीआई थी इसकी, स्वामी नित्यानंद नाम है इसका. इसका कहना है कि अगले साल तक मैं जो बैल हैं गाय हैं इन सबको तमिल और अंग्रेजी में बात करवाऊंगा, इसका दावा यह है. और लोग तालियां बजा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं. तो ये तो हमारा दावा है, क्लेम है, हमारी खपत है. और असलियत क्या है? असलियत अब आप सुन लीजिए. नितिन गडकरी का मंत्रालय है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. उनका कहना है कि सन 2017 में 3,597 लोग मारे गए गड्ढा वाली सड़कों की वजह से, सड़कों में जो गड्ढे हैं उसकी वजह से. कल्पना कीजिए दुनिया का कोई देश ऐसा आपको दिखेगा जो विकसित देश हो, विश्वगुरु ना भी बनने का दम रखता हो. कल्पना कीजिए ऐसा रूस में, ऐसा यूरोप के किसी देश में, ऐसा अमेरिका में. ऐसा हो सकता है कि सड़कों के गड्ढों की वजह से 3,597 लोग मारे गए हों सन 2017 में, और दूसरी तरफ सिर्फ 803 लोग मारे गए हों आतंकवादी गतिविधियों में. ये सरकारी आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको. ये विश्वगुरु का दम भरने वालों के लिए आंखें खोलने की बात है. ये दरअसल हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने 18 सितंबर को इस मामले को सुनते हुए कहा कि ये जो स्थिति है ये डरावनी स्थिति है कि जहां 3,597 लोग सिर्फ सड़क के गड्ढों की वजह से मर गए हों. राज्य सरकारों का कहना है कि उनके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो ठेकेदार सड़कें बनाते हैं वो उनको सजा दे पाए. सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह कहा कि फिर राज्य सरकारें हैं क्यों? क्योंकि सड़कें राज्य सरकारों ने बनवाई हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की बनती है कि उनका रखरखाव सही हो. सुप्रीम कोर्ट का कहना है हाउ कैन द स्टेट से दैट दे कैन नॉट मेंटेन रोड्स. राज्य कैसे कह सकते कि हम सड़कों की देखभाल नहीं कर सकते? Why are they giving money to contractors for roads if they have no money to maintain them? ठेकेदारों को पेमेंट क्यों करते हैं अगर उनके पास रखरखाव का पैसा नहीं है? सड़कों का देखरेख कौन करेगा सड़कों की? क्या लोग देखरेख करेंगे? Let's demolish the roads. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है. बिल्कुल इसी तरह मैनुअल स्कैवेंजिंग, सीवर, सेप्टिक टैंक में जब लोग घुसते हैं मर जाते हैं. नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी स्टैचूटरी बॉडी है. इसका ये कहना है कि पिछले 2017 में ही हर पांचवें दिन एक आदमी की मौत हुई है क्योंकि वो सेप्टिक टैंक में गया है, सीवर में गया उसकी सफाई करने के लिए. इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है विश्व गुरु के लिए. नेशनल कैपिटल रीजन जो है हमारा, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, इसी ही में पिछले एक हफ्ते में 6 लोगों की मौत हुई है सेप्टिक टैंक और सीवर में घुसकर सफाई करने की वजह से. हमारे यहां जितने राज्य हैं, 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सिर्फ 13 राज्यों का डेटा हमारे पास आया है. आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है. जिस दिन प्रधान सेवक और उनके बाकी जो मंडली है वो ये नौटंकी करने के बजाय कि झाड़ू लेकर थोड़ी बहुत सफाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं और फिल्मी सितारे भी कर रहे हैं साथ साथ, जिस दिन ये लोग किसी सीवर से या सेप्टिक टैंक से सफाई करके बाहर निकलते हुए दिखेंगे, उस दिन हम मानेंगे कि सही मानों में स्वच्छ भारत अभियान ईमानदार अभियान है, वरना रस्म अदायगी है, फोटो ऑप है. नमस्कार. आप देख रहे थे जनगण मन की बात. हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार.